तुम्हारी औरतों में बेहतरीन औरत वो है जो अपने किरदार को पाक दामन और अपने शौहर से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखने वाली हो। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हो, नफरत उनसे करो जो भुलाना जानते हो, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हो। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ने से बेहतर है। कीना और दिल में खोट रखना दिल की बीमारी और तमाम ऐबों का सरदार है। नेक सलूक करने वाला मदद पाता है और बुराई करने वाला ख्वार रहता है। मुरव्वत हमेशा फाहश, बेहयाई और बेवफाई से बेजार और शराफत कीना और मकर से पाक होती है। हासिद शख्स लोगों की बुराई सुनकर खुश और अच्छाई सुनकर गमगीन हो जाता है। ख्वाहिश परस्ती एक पोशीदा लेकिन मोहलिक बीमारी है। दुनिया वो चीज है कि अकलमंदों ने इसे तलाक दी, और ये इन्हीं लोगों की मतलूब है जो गंदे और नापाक हैं। ईमान इसी का नाम है कि इंसान मुसीबत में सब्र करे और नेमत में शुक्र गुजार हो। जबान एक सरकश घोड़ा है और बुराई अपने सवार यानी बुराई करने वाले को मुंह के बल गिराती है। लोगों का भेद जाहिर करने और माल में खयानत करने वाले दोनों बराबर हैं। वादा करो तो उसके खिलाफ ना करो, गुस्सा आए तो मुंह से बेहुदा बात मत निकालो। जल्दी से माफ करना शरीफों की आदत, और इंतकाम लेने में जल्दी करना कमीनों की सिफत है। अगर किसी पर एहसान करो तो छिपाओ, और अगर तुम पर कोई एहसान करे तो उसको फैलाओ। तफरके से दूरी इख्तियार करो, वरना शैतान तुम पर गालिब आ जाएगा। नफ्स को किसी ऐसे काम में मशगूल रखो, वरना ये तुम्हें ऐसे कामों पर लगा देगा जो करने के काबिल ना होंगे। अहमक की दोस्ती से बेहतर अकलमंद की दुश्मनी है।